तो यार कैसे यार सब लोग। तो गाइज वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ क्लैश ऑफ क्लैंस। और यार यहाँ पर हम एक और वीडियो के साथ आ चुके हैं। पर यार क्लैश ऑफ क्लैंस यार अब तो मतलब बिल्कुल ही यार बदलने वाला है यार टाउन हॉल 12, क्योंकि आने ही वाला है। बस कमिंग सून तो उन्होंने बता दिया और मतलब बस कंप्लीट आने वाला है, ठीक है। तो लेकिन टाउन 12 के आने से पहले यार बहुत से लीक्स यार हम लोगों को पता चले, और यार यहाँ पे मैं तुम्हारे को सारे लीक्स बताने वाला हूँ, ठीक है। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज बहुत सारे लीक्स हैं यार, बहुत सारे। और यार मैं आई होप इसको वीडियो में ट्राई करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद यार तुम्हारे को और कहीं भटकना ना पड़े यूट्यूब पे लीक्स के लिए, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट सारे लीक्स कवर करें इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, ठीक है। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट ना करें ये वाली वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले लीक पर अगर हम आए तो यार तुम्हारे को पता है यार यहाँ पे टाउन हॉल 12 के यार 5 लेवल्स आने वाले हैं। तो बेसिकली लेवल्स नहीं है वो, उनको स्टार बोलेंगे हम लोग। टाउन हॉल 1 स्टार, टाउन हॉल 2 स्टार, टाउन हॉल 3 स्टार, यहाँ तुम इमेज में देख रहे हो। पर यार यहाँ पर जैसे कि टाउन हॉल 1 स्टार होगा तो वो एक ही टारगेट को अटैक करेगा। जैसे कि कोई टाउन हॉल पे अटैक करता है तो वो सिंगल टारगेट को अटैक करेगा, जैसे हमारे इन्फर्नो नहीं होता सिंगल टारगेट मल्टी टारगेट, वैसे ही काम करने वाला है। और टाउन हॉल 2, टाउन हॉल 12 लेवल 2 स्टार पे यहाँ पे क्या होगा, वो दो टारगेट को अटैक करेगा, 3 पे 3 को, 4 पे 4 को, ऐसे होने वाला है, ठीक है। तो यार नेक्स्ट लीक पे बात करें तो यार यहाँ पर हमारा जो टाउन हॉल 12 आएगा तो साथ में ज़्यादा बिल्डिंग्स चेंज नहीं होगी यार यहाँ पर। पहले मैं तुम्हारे को क्लियरली बता दूँ सारी बिल्डिंग्स से नहीं बदलने वाली है। कहीं तुम सोच रहे हो कि सब कुछ नया आने वाला है तो यार ऐसे तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा और मतलब गेम बिल्कुल ही अनकम्फर्टेबल सा हो जाएगा। तो सिर्फ कुछ बिल्डिंग से चेंज होने वाली है, बिकॉज 3 मिनट का टाइम बहुत कम होता है और उसमें कहीं ना कहीं हमारा टाइम का फैक्टर पड़ जाता है जब हम अटैक करते हैं। तो इसलिए बिल्डिंग्स वो लिमिटेड ही रखने वाले हैं। और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे तुम इमेज में देख रहे हो गोल्ड स्टोरेज का लेवल 13 का आने वाला है। तो गोल्ड स्टोरेज की ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी जब अपग्रेडिंग के लिए आएगा। तो आई थिंक इसका लेकिन अमाउंट नहीं बताया यार कितना होने वाला है। जैसे अभी हमारा मैक्सिमम गोल्ड स्टोरेज का अमाउंट 1 करोड़ होता है, तो आई थिंक हो सकता है 1 करोड़ 10 लाख हो सकता है या 1 करोड़ 20, वो देखते हैं कितना होने वाला है। तो चलो यार नेक्स्ट लीग पे चलते हैं। यार यहाँ पे तुम सभी को पता है टाउन हॉल 12 आ रहा है, तो यार एक नया ट्रूप तो बनता है ना यार। यहाँ पे देखो यार तुम इमेज में यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारे बॉलर्स के राइट साइड में और किंग के लेफ्ट साइड में एक नया ट्रूप है, और यहाँ पे उसका हमें सिर्फ हेड दिख रहा है। अब पता नहीं यार इसने कैप पहनी हो या फिर ये उसका हेड है, बट ये एक न्यू ट्रूप है बिकॉज इससे पहले हमने COC में ऐसा ट्रूप कुछ नहीं देखा। तो ये यार वो नया ट्रूप, तो देखो यार बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और देखते हैं कैसा होने वाला है और क्या होने वाला है, बिकॉज बिल्कुल ही चेंज कर देगा यार जब ये गेम में आएगा। बिकॉज एक नए ट्रूप से भी तुम्हारे को पता है पूरी की पूरी स्ट्रैटेजीज चेंज हो जाती है और पूरा गेम प्ले चेंज हो जाता है, तो सब कुछ बदलने वाला है। तो वेट करते हैं यार, आई होप ये बहुत ही बढ़िया ट्रूप हो। तो चलो नेक्स्ट लीक पे चलते हैं। यार यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट लीक है यार यहाँ पे आने वाली हमारी लेवल 13 की वॉल्स, लेवल 13 है या लेवल 12 है, एक सेकेंड। तो यार यहाँ पे हमारी लेवल 13 की वॉल्स आने वाली है, बिल्कुल सही। और यार यहाँ पे सारे लेवल 13 में सोच रहे थे इलेक्ट्रिक वॉल्स आएंगे, जो हमारी पुरानी वॉल्स थी, आई मीन जो टाउन हॉल 9 में हुआ करती थी ब्लू कलर की इलेक्ट्रिक वॉल्स। लेकिन यार इस बार इन्होंने मतलब वो पुराना नहीं रखा है, उन्होंने बोल दिया था कि हम पुराना रिपीट नहीं करने वाले हैं। यार यहाँ पे वो लोग नई वॉल्स लेकर आए हैं और इन्होंने जो हमारी लेवल 12 की वॉल्स थी उनमें थोड़ा सा चेंजेस करे हैं, ठीक है, एनिमेशन में। और यहाँ पे उनको थोड़ा सा बढ़िया बनाया यार, मेरे को अच्छी लग रही है देख के, बिकॉज यार यहाँ पे ब्लू कलर की जो यहाँ पे निकल रही है लाइटनिंग वॉल्स में से बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और यार नई वॉल्स आ रही, तो तुम्हारा सवाल ये भी होगा कि वो कितने में अपग्रेड होंगी, मतलब जैसे हमारी लेवल 12 की वॉल्स होती है 40 लाख में अपग्रेड, तो 13 के कितने में होंगी। तो यार ये भी देख लो तुम लोग, यहाँ पे तुम्हारे को अमाउंट दिख रहा है यार यहाँ पे लेवल 13 की वॉल्स अपग्रेड होंगी हमारी 50 लाख में, 50 लाख गोल्ड या एलिक्सर, तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है यार। लेकिन बिल्कुल बनता है यार, इतनी हाई लेवल वॉल्स है तो इतना तो बनता ही है। तो चलो यार अब चलते हैं यार नेक्स्ट लीग पे। और नेक्स्ट लीग आ रही है हमारी यार हीरो की तरफ से, यार लेवल टाउन हॉल 12 पे यार हमारा लेवल 60 के हीरोज़ हो जाएंगे। और यहाँ पे तुम देख रहे हो यार यहाँ पे क्लिक करा हुआ है हीरो पे, और यहाँ पे देखो बारबेरियन किंग पे क्लिक करा हुआ है, और यहाँ पे वन आर का बूस्ट का ऑप्शन आ रहा है और हीलिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो ये ऑप्शन सिर्फ यार हमारा किंग में आता है, और अगर तुम इस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में तो यार तुम्हारे को पता चल जाएगा ये बारबेरियन किंग का लेवल 60 का ही है। तो लेवल 60 हीरोज आ रहे हैं टाउन हॉल 12 में, तो रेडी रहना यार उसके लिए। जिनके हीरोज अपग्रेड नहीं है तो जल्दी जल्दी अपग्रेड कर लो। तो अब चलते हैं यार हम नेक्स्ट लीग पे। जैसा कि तुम्हारे को पता है हमारे नए ट्रूप्स, तो नए ट्रूप की लीग तो हमारे को मिल गई है, बट यार यहाँ पे हमारे जो पुराने एग्जिस्टिंग ट्रूप्स हैं उन पे भी यार कुछ चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे देखो यार उनके भी कुछ नए लेवल्स आने वाले हैं। यहाँ पे तुम देख रहे हो यार यहाँ पे रेड एरो से यहाँ पे कोने में तुम्हारे को गोलमाइट दिख रहा होगा,
गोलमाइट, वो जो गोलम फटने के बाद जो दो बच्चे निकलते हैं उन्हीं को गोलमाइट बोलते हैं। तो यार यहाँ पे देखो, गोलमाइट के जो ऊपर तुम्हारे देख रहे हो यार, ब्लू कलर के पत्थर लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो हमारे पुराने गोलम है उनके व्हाइट कलर के हैं, आई मीन। तो ये न्यू लेवल हो सकता है गोलम का, और कुछ चेंज हो सकता है आई थिंक, नया लेवल जैसे कि लेवल 8 गोलम हो सकता है, तो आई थिंक ये आ सकता है। और नेक्स्ट जो ट्रूप है उसके ऊपर अपडेट आया यार, यहाँ पे तुम बोलर का यार ये देख रहो, पत्थर देख रहे हो जो गोलम चट्टान फेंकते हैं वो पत्थर, लेकिन इसमें तुम्हें चेंज क्या दिख रहा है यार, यहाँ पे जो चट्टान के ऊपर जो स्टोन्स लगे हैं यार, जो छोटे छोटे से, वो ऑरेंज कलर के हैं यार। अगर तुम यार अपने एग्जिस्टिंग बोलर देखो यार, तो उनके यार जो स्टोन्स होते हैं वो होते हैं पर्पल कलर के या फिर ब्लू कलर के, ठीक है, इसी कलर के होते हैं। तो वो हमारे लेवल 3 के बोलर्स होते हैं। तो यार यहाँ पे ऑरेंज कलर के यार क्यों है, बिकॉज यार यहाँ पे नया लेवल आने वाला है बोलर का, क्योंकि लेवल 1 और 2 बोलर के जो वो होते हैं पत्थर, वो बिल्कुल प्लेन होते हैं, उनमें कुछ ऐसा स्टोन्स नहीं लगे होते। 3 में ब्लू कलर के होते हैं, एंड लेवल 4 में हमारे ऑरेंज कलर में आने वाले हैं। तो यार ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, और मतलब बहुत ही कुछ चेंज होने वाला है यार, मतलब बिल्कुल ही हमारा सिनेरियो पूरा चेंज होने वाला है गेम का। जैसा कि गेम चल रहा था अभी तक, अब वो गेम नहीं रहेगा, मतलब बिल्कुल ही सब नई स्ट्रेटजीज आ जाएंगी, सब नए डिफेंसिव बेसिस आ जाएंगे यार। और मतलब ऑलमोस्ट हम सब कुछ कवर करने वाले हैं टाउन हॉल 12 में हमारे इस चैनल पे, तो यार उसके लिए ज़रूर अपडेटेड रहना, ठीक है। और अगर यार तुम्हारे को ये सारे लीक समझ में कुछ रह गया है, तुम्हें समझ में नहीं आया, तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है, मैं उसको और क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर यार वीडियो अच्छा लगा हो, तो इतने यार लीक्स देने के बाद अब तो यार एक लाइक बनता है, लाइक करके जाओ, और यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि टाउन हॉल 12 के रिलेटेड सो तुम्हारे को सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो यार अब मिलेंगे यार तुम्हारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।